पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भौजल डूबे नहीं साध सत्संग। क्या कहते हैं कि जैसे भादवा महीने में खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में एक विशेष वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा भादुवे के महीने में होया कर है। और उस समय दरिया सभी अपने पहले से डबल पानी के फलों से भरकर चलती है, उतना उमड़ उमड़ कर किनारों को छूटी हुई चलती है और पानी में भंवर गिर रहे होते हैं। ऐसी दरिया से पार होने के लिए और किसी से कोई पूछता है कि पार जाना है मैंने इस दरिया से, कैसे जाऊं, और उसको कोई भेड़ की पूछ पकड़वा दे कि ले ये भेड़, और दे मुझे 5 रुपये, 100 रुपये, और यह तुझे पार कर देगी। तो वो साधन पार करने का नहीं है, वो तो डुबोन का है। वह आप भी डूबेगी और जिसने उसका आश्रय लिया है वो भी मरेगा डूब कर। उसके लिए तो एक नौका चाहिए, मजबूत और लीक प्रूफ, वाटर प्रूफ, और बढ़िया उसका खेवट हो, यानी चलाने वाला भी कुशल हो। भंवर से बचा कर निकाल कर ले जाए, उसमें सीधा ठोक दिया तो भी डूब जाएगी। तो इसमें गुरु एक चालक होता है और ये ज्ञान रूपी नौका ये आपको दी जाती है, इसमें आपने बैठना है और गुरु इसका खेवट होता है। तो ये तरीका तो है उस भादो वाली नदी से पार होने का। तो ये संसार एक ऐसा भादो नदी है, इससे पार होने के लिए हमने सत साधना, सत मंत्र और सच्चे परमात्मा की शरण की आवश्यकता, और सच्चे सतगुरु की। तो पुण्यात्मा, आज आपके ऊपर जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, जो मेहर की झड़ी लगाई है, ना जाने आपने कितने जन्म जन्मांतरों में कोई शुभ कर्म किए होंगे, जो यो समय और ये स्थान आपको प्राप्त हुआ है। आपको वो सभी वस्तु उपलब्ध हैं जो इस संसार रूपी सागर से, इस भादो नदी से पार होने के लिए उपलब्ध होगी। लेकिन आपने इतना करना है, इस नौका से नीचे ना उतरना, बस इतनी दया करना, फिर आपको पार करना इस दास की ड्यूटी है।